नमस्कार, आप सबका स्वागत है सीखो इंडिया के एक नए एपिसोड में। अभी देखिए, आप कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या टैबलेट हो, या फैबलेट हो, या कुछ भी हो, आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक ईमेल आईडी की। बिकॉज आज के टाइम में जैसा आपका आधार कार्ड, जैसा आपका वोटर कार्ड, जैसा आपका पासपोर्ट, वैसे ही आपका ईमेल आईडी होना भी बहुत जरूरी है। और मतलब ये एक तरीके से मान लो आपका आधार कार्ड ही है, उतनी ज्यादा जरूरत है इस चीज की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप अपना ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। अब देखिए, यहाँ पे ईमेल आईडी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो गूगल ले लो, या फिर आप आउटलुक ले लो माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर आप याहू ले लो। लेकिन अगर हम बात करें इन तीनों में या फिर बाकी सब में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसमें सबसे बेहतर जो है वो है गूगल की। अब देखो, ईमेल आईडी बनाने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। मतलब मैं ना यहाँ पे बहुत सारी ईमेल आईडी देखता हूँ, मतलब मस्त कमाल कमाल की होती है, जैसे कि आई लव यू zanu@gmail.com, dailysmuggler@gmail.com, donbaba@gmail.com, killer0007@gmail.com। तो यहाँ पे ईमेल आईडी बनाने के पहले ना आप एक चीज ध्यान में रख लो, अगर आपको एक अच्छी सी मतलब प्यारी सी ईमेल आईडी चाहिए जो आप खुद भी समझ पाओ और दूसरे को भी समझा पाओ, तो सबसे पहले आप एक सिंपल सा नाम ढूंढो। ईमेल आईडी बनाने से पहले आप सबसे पहले कोशिश करो कि आपका जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम राकेश चौधरी है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरी जो ईमेल आईडी है वो राकेश चौधरी के आसपास ही रहे। मतलब आपका नाम, आपका सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, इन सबको मिला के आपकी ईमेल आईडी बनाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, ईमेल आईडी बनाने से पहले गूगल पे आप एक चीज का ध्यान रख लो कि गूगल पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का कोई मतलब नहीं होता है। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो वो होता है @, या _, या / या फिर कॉमा, या फिर डॉट, मतलब वो होता है फुल स्टॉप वाला डॉट, वो इनका कोई मतलब नहीं होता। गूगल किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को नहीं मानता है। तो यहाँ पे rakeshchaudhary@gmail.com या rakesh.choudhary@gmail.com, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अगर कोई बंदा मेरे को ईमेल करता है तो चाहे वो rakesh.choudhary पे करे या राकेश चौधरी पे करे, ईमेल मेरे पास ही आएगा, क्योंकि दोनों नाम गूगल के हिसाब से एक ही हैं। तो चलिए फिर, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से जल्दी ईमेल आईडी बना के दिखाता हूं मैं आपको कि आपको ईमेल आईडी गूगल की कैसे बनानी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने ब्राउजर में, चाहे आप किसी भी डिवाइस पे हो, चाहे आप लैपटॉप पे हो, किसी भी मोबाइल फोन पे हो, ओप्पो पे हो, वीवो पे हो, जावी पे हो, एप्पल पे हो, रेडमी पे हो, सैमसंग पे हो, किसी पे भी हो, उसके ब्राउजर में जाओ, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो, वहां पे जाओ। और वहां पे जाके सबसे पहले आप लिखो www.google.com। तो देखो, आपका कुछ ऐसा पेज खुलेगा ये वेब एड्रेस डालने के बाद। फिर आपको यहाँ पे जाना है। देखो, यहाँ पे कोने में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये साइन इन लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको जाना है और यहाँ पे टच करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज खुलेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें साइन इन नहीं करना, बेसिकली हमें नया अकाउंट बनाना है। तो हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखो क्रिएट अकाउंट करके यहाँ पे ब्लू कलर का लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आपको टच करना है क्रिएट अकाउंट, और फिर ये आपको आगे लेके जाएगा, यहाँ पे अकाउंट बनाने के सारे ऑप्शन आपको देगा। अब यहाँ पे भाई आपको आपका जेन्युइन नाम डालना है, फॉर एग्जाम्पल राकेश कुमार। कोशिश करिए कि आपका जेन्युइन नाम डालिए जो कि आपका ओरिजिनल नाम है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उल्टा पुल्टा नाम डालोगे, राकेश जानू, राकेश लवर, तो कभी इनकेस आपका गूगल अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो वहां पे अगर आप गूगल से हेल्प मांगते हो तो गूगल आपको मना कर देगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूजर नेम। यूजर नेम वही था जो मैं पहले बात कर रहा था, जो हंटर वंटर, जानू, आई लव यू, किलर पिलर, ये सब नहीं, यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अगर राकेश है, ठीक है, तो मैं डालता हूँ राकेश, लेकिन राकेश बहुत कॉमन है, तो हो सकता है आपको आपका नाम एक बार में ना मिले, तो मैं यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन डाल देता हूँ। मैं ना राकेश के पहले अपना ईयर ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, 0101, ठीक है, 1990, और बस ट्राई करते हैं कि अब कुछ काम बनता है कि नहीं। उसके बाद भाई यहाँ पे डालना है आपको पासवर्ड। पासवर्ड आप कुछ भी डालो। अब यहाँ पे देखो, ये यूजर नेम अवेलेबल था तो ये पेज आगे आ गया। अब आगे गूगल आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगता है, यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये समझ गया है मेरी लोकेशन लेके कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ या इंडिया में हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। बहुत सारे केसेस में ये मोबाइल नंबर नहीं मांगता, लेकिन अगर ये मांगता है तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और हम करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये गूगल वेरीफाई करेगा कि आपने जो मोबाइल
नंबर उसको दिया है वो जेन्युइन है, वो आपका है या नहीं है, तो इसके लिए वो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा। आपको उस ओटीपी को उठाना है और यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देखो ओटीपी मेरे पास आ गया है, ओटीपी डालता हूँ मैं। ओटीपी डालने के बाद आपको करना है वेरीफाई। इतना करने के बाद आपके पास आता है अगला पेज। यहाँ पे आपसे पूछता है रिकवरी ईमेल एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है, लेकिन अगर आप पहली बार ईमेल आईडी बना रहे हो तो आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं होगा, तो इसे आप स्किप कर दो। अगर है तो डाल दो। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दो, जैसे मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद आपको आपका डालना है जेंडर, उसके बाद करो आप नेक्स्ट। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेसी वगैरह है, इसको आपको अग्री करना है, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि आप इतना कुछ पढ़ोगे। आंख बंद करके अग्री कर दो, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते इस काम। और भाई ये बन गया आपका ईमेल आईडी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे आर बना आ रहा है। ये राकेश कुमार ईमेल आईडी बन गई 0101 rakesh1990@gmail.com। उसके बाद आपको अपने गूगल में जाना है और वहाँ पे एक दो मेल आए होंगे, उसको जाके बस आपको चेक कर लेना है। तो उसके लिए देखो आपको करना है कि यहाँ पे जो डॉट बना हुआ है, 9 डॉट है, इसको जाके आपको टच करना है ऐसे। और इसको करने के बाद यहाँ पे आपको फर्दर ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे देखो आपको जीमेल देखने को मिलेगा, कहीं भी देखना, ऊपर नीचे हो सकता है। ये जीमेल पे आपको क्लिक करना है और ये डायरेक्टली आपके जीमेल के अंदर लॉग इन हो जाएगा। तो ये बन गया आपका ईमेल आईडी। और कोई भी आपको ईमेल करता है तो यहाँ पे जाके आप अपने मेल को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। ये हो चुका है आपका ईमेल आईडी। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ईमेल आईडी कैसे बनानी है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है अभी भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे कुछ नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।